स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्प हिंदी में पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ मजेदार तथ्य ऊंट के बारे में। ऊंट एक अद्वितीय प्राणी है जिसमें कुंवड़ पाया जाता है। अपने इसी कुंवड़ की वजह से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में हुई थी। ये अफ्रीका और एशिया के रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ऊंटों का जीवन काल लगभग 40 साल का होता है। ऊंट किंगडम एनिमिलिया से संबंधित है। ऊंट 3 प्रकार के होते हैं, ड्रोमेडरी कैमल, बैक्ट्रियन कैमल और वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल। ड्रोमेडरी ऊंटों में एक कुंवड़ होता है और ये प्रजाति 94% ऊंट की आबादी है, जबकि बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुंवड़ होते हैं और ये कुल ऊंट की आबादी का केवल 6% हिस्सा होते हैं। वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल एक अलग ही ऊंट की प्रजाति है जो संकटग्रस्त है। ऊंट शाकाहारी होते हैं, वे पौधे और पेड़ खाते हैं। ऊंट की पलकें उनकी आंखों को रेगिस्तान की बहती रेत से बचाती है। एक ऊंट की गर्भावस्था अवधि 13 से 15 महीने तक रहती है। वे एक बच्चे को जन्म देते हैं या कभी कभी जुड़वा। ऊंट के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है। ऊंट का अनऑर्गेनाइज्ड समूह झुंड कहलाता है, जबकि मानव द्वारा ऑर्गेनाइज्ड ऊंट का समूह कैरवन कहलाता है। ऊंट तरह तरह की आवाजें करते हैं, जैसे विलाप और कराहना। ऊंट एक साथ लगभग 20 गैलन तक पानी पी सकता है। छोटी दूरी के लिए एक ऊंट 40 मील प्रति घंटे की गति से भागता है। हालांकि उनकी नियमित गति 25 मील प्रति घंटे है। ऊंट के दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक आयरन और विटामिन सी पाया जाता है। अबू धाबी में आप ऊंट के दूध के शेक खरीद सकते हैं, जो असली ऊंट के दूध से बना होता है। ऊंट का कुंवड़ पानी का भंडारण करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। उनका कुंवड़ वसा को जमा करता है और उनके शरीर के बाकी हिस्सों को ठंडा रहने में मदद करता है। जरूरत पड़ने पर वसा भोजन या पानी में परिवर्तित हो जाती है। ऊंटों में अंडाकार रक्त कोशिकाएं होती है, जो निर्जलित होने पर नहीं टकराती है, जिसके चलते वे पानी के बिना लंबी दूरी तय कर सकते हैं। ऊंट का बच्चा बिना कुंवड़ के पैदा होता है। हालांकि जब वह ठोस भोजन खाने लगता है तो कुंवड़ बढ़ने लगता है। ऊंट के कुंवड़ में संग्रहित वसा ऊंटों को बिना भोजन के हफ्तों तक जिंदा रख सकता है। ऊंट के मुंह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 भागों में विभाजित हो। इससे उन्हें अपने भोजन को प्रभावी ढंग से चरने और खाने में मदद मिलती है। ऊंटों की कुश्ती का आयोजन हर साल टर्की में होता है। ऊंट कांटेदार चीजें खा सकते हैं, ये उनके मुंह को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, जबकि अन्य जानवरों के मुंह को कांटेदार चीजें चोट पहुंचा सकती है। वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल एकमात्र ऐसे ऊंट हैं जिन्हें कभी पालतू नहीं बनाया गया। वे पूर्वी एशिया में रहते हैं और सख्त जानवर होते हैं। वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल 1000 से कम संख्या में बचे हैं। वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसा लगता है जैसे ऊंटों के मोटे फर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी त्वचा पतली होती है, जो रेगिस्तान की गर्मी को सह सकती है। ऊंट के बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट helphindime.in को फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प हिंदी में को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।